हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं राजदेव प्रसाद। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सारे एमबीए एग्जाम्स के डेट्स के बारे में कि कब कौन सा एग्जाम का रजिस्ट्रेशन डेट है, एग्जाम डेट कब आएगा और आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू कौन कौन से कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं और बाकी सारी डिटेल्स को। तो वीडियो के पूरे एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर मैं 2023 एंड 2024 के एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करूं तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कैट, जेड, डबल आईएफटी, एनमैट, स्नैप, इपसेट, टीसनेट, प्रीमेट और मैट। तो ये टॉप 9 एग्जाम है जिसके थ्रू आप एमबीए के लिए एक बेहतर कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सारे एग्जाम्स के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैट 2023 का। इसका रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हो चुका है 2nd of August से। और अगर मैं इसके एंट्रेंस एग्जाम की बात करूं तो ये November 26 को कंडक्ट करवाया जाएगा। और अगर मैं इसकी एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन फीस की बात करूं तो ये 2400 रुपीज है फॉर जनरल कैटेगरी एंड रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 1200 रुपीज का चार्ज है। कैट एग्जाम्स के बारे में और भी कुछ डिटेल्स है जो मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूं, आप डिटेल्स यहां पर देख सकते हैं क्योंकि हर एक चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब नेक्स्ट एग्जाम के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम है वो है जेड 2024। अगर मैं इसकी रजिस्ट्रेशन डेट की बात करूं तो ये 15th of July 2023 से स्टार्ट हो चुका है। और अगर मैं इसकी एग्जाम की बात करूं तो ये 1st week of January 2024 में आपको देखने को मिलेगा। और अगर मैं इसकी रजिस्ट्रेशन फीस की बात करूं तो ये आपका अप्रॉक्स 2100 रुपीज है। और अब आपको मैं जेड का कुछ और भी डिटेल्स स्क्रीन पे शो कर रहा हूं। अब अगर मैं नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जाम की बात करूं तो वो है डबल आईएफटी 2024। और अगर मैं इसकी रजिस्ट्रेशन और एग्जाम डेट की बात करूं तो ये एंट्रेंस एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है, 2024 में इसका एग्जाम नहीं होगा। और जो भी कॉलेज में आप डबल आईएफटी के थ्रू एडमिशन लेते थे अब वहां पर आपके कैट के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन हो जाएगा। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जाम आता है वो है एनमैट 2023। अगर मैं इसकी रजिस्ट्रेशन डेट की बात करूं तो ये 1st of August 2023 से स्टार्ट हो चुका है। और एनमैट का जो एग्जाम है वो आपका October 10 to December 19 2023 के बीच में कंडक्ट करवाया जाएगा। और इसका रजिस्ट्रेशन कॉस्ट जो है वो अप्रोक्स आपका 2800 रुपीज का है, आप डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हम नेक्स्ट एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जाम है वो है स्नैप 2023। अगर मैं इसकी रजिस्ट्रेशन डेट की बात करूं तो 23rd of August से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। अगर मैं इसके एग्जामिनेशन की बात करूं तो ये 10th December, 17th December एंड 22nd December 2023 में इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और इसी के साथ जो इसका रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है वो आपका अप्रोक्स 2250 रुपीज है। अब मैं इसका भी आपको बाकी डिटेल स्क्रीन पे शो कर रहा हूं। अब इसी के साथ हम नेक्स्ट एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं, वो है इपसेट 2023। अगर मैं इसकी रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो ये बहुत पहले स्टार्ट हो चुका है 1st of July से। और इपसेट का जो एग्जाम है वो आपका 23rd of December एंड 24th of December में कंडक्ट करवाया जाएगा। और अगर मैं इसकी रजिस्ट्रेशन फीस की बात करूं तो आपका अप्रोक्स 1800 रुपीज है, इसका भी मैं डिटेल्स आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूं। अब इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जाम आता है वो आता है टीसनेट। अगर मैं टीसनेट 2024 की बात करूं तो इसका भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, 14th of December से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। और अगर मैं इसके एग्जाम्स की बात करूं तो ये 15th February को कंडक्ट करवाया जाएगा। और इसी के साथ अगर मैं इसकी रजिस्ट्रेशन फीस की बात करूं तो 1000 रुपीज है जनरल कैटेगरी के लिए, 500 रुपीज है फॉर रिजर्व कैटेगरी के लिए। और इसी के साथ मैं आपको बाकी डिटेल्स भी स्क्रीन पे शो कर रहा हूं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जाम है वो है सीमेट 2024। अगर मैं इसकी रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो 15th of December से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। और इसका जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है वो मार्च के समय कंडक्ट करवाया जाता है। इस बार March 14, 2024 में इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और अगर मैं इसकी रजिस्ट्रेशन फीस की बात करूं तो 2000 रुपीज इसका रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है फॉर जनरल कैटेगरी एंड 1000 रुपीज इसका रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है फॉर रिजर्व कैटेगरी। अब सीमेट का भी आप बाकी डिटेल स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अब हम लास्ट एंट्रेंस एग्जाम की बात कर लेते हैं, वो है मैट 2023। अगर मैं इसकी रजिस्ट्रेशन डेट की बात करूं तो 10th of July 2023 से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। और मैट का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो आपका अप्रोक्स 29th of August से 17th of September के बीच में इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और मैट एग्जाम का जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपका 1950 रुपीज है। और मैट का भी बाकी डिटेल्स मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। अब इसी के साथ हमारे जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स थे मैंने आपको सबके बारे में बता दिया है। बट एक चीज और भी मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ, वो ये है कि अब जब इतने सारे एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं तो क्या एक स्टूडेंट को सारे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए अटेम्प्ट करना चाहिए या फिर वो कौन सा एंट्रेंस एग्जाम अपने लिए सिलेक्ट कर सकता है? क्योंकि यहाँ पे भी एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि यार मेरे लिए कौन सा एंट्रेंस एग्जाम सही रहेगा। इसलिए अब हम ये डिस्कस करते हैं कि आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा एंट्रेंस एग्जाम सही रहेगा। देखो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम अपियर करने से पहले आपको अपने लिए मिनिमम 5 to 10 कॉलेज को पहले सिलेक्ट कर लेना होगा कि आपके लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा। अब आपको कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको इन सारे पैरामीटर्स के साथ आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि कॉलेज का फी स्ट्रक्चर कैसा चाहिए आपको, कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा होना चाहिए, रैंकिंग कैसा है कॉलेज का, फैकल्टीज कैसे हैं, आपके एमबीए प्रोग्राम के लिए या फिर स्पेशलाइजेशन के लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा, उन सारे कॉलेज के एलुमनाइज कैसे हैं, लोकेशन कहाँ पर है। बिकॉज आप एंट्रेंस एग्जाम दे देते हैं बट फिर बाद में पता चलता है कि यार वो लोकेशन पे मैं नहीं जा सकता हूँ या फिर वहाँ पे मुझे पढ़ाई नहीं करना है। तो इसलिए लोकेशन के बेसिस पे भी आप अपने लिए कॉलेज सिलेक्ट करके रख लीजिए पहले कि इन सारे कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज कैसा है। तो आप इन सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे अपने लिए कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हो। पर देखो यार, जब भी आप कोई कॉलेज सिलेक्ट करते हो या सर्च करते हो तो आप कॉलेज दुनिया शिक्षा या ऑनलाइन कहीं पर आप चेकआउट करते हो,
तो मैं सबसे आपको एक बेस्ट वे बताने वाला हूँ कि आप अपने लिए कॉलेज को कहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि देखो जितने भी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप एडमिशन लेते हो बेसिकली NRF रैंकिंग में तो होता है, तो आप NRF रैंकिंग के ऑफिशियल पोर्टल पे आप जा सकते हो। तो NRF रैंकिंग के ऑफिशियल पोर्टल पे जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपको मैनेजमेंट का एक ऑप्शन शो कर रहा होगा, आप उस मैनेजमेंट के ऑप्शन को क्लिक करोगे तो आपको ऑल ओवर इंडिया के टॉप MBA कॉलेजेस आपको शो करेंगे। आप उनके बेसिस पर आप वहाँ पे देख पाओगे एक मोर डिटेल का ऑप्शन है। जब आप वो मोर डिटेल का ऑप्शन पे जाओगे, PDF को आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक PDF ओपन हो जाएगा। उस PDF में आप सब कुछ देख सकते हो, 2019, 20, 21, 23 सारी ईयर्स के आप रिकॉर्ड देख सकते हो, सीट इंटेक देख सकते हो, मीडियन प्लेसमेंट देख सकते हो, कितने फैकल्टीज हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या फैसिलिटीज है, तो सब कुछ आपको NRF रैंकिंग में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट वे है अपने लिए कॉलेज को सिलेक्ट करने के लिए। आप इन सारे बेसिस पे कॉलेज को सिलेक्ट करो, उसके बाद फिर आप एंट्रेंस एग्जाम के डिफिकल्टीज को चेकआउट करो कि आपके लिए कौन सा एंट्रेंस एग्जाम बेस्ट रहेगा। तो अगर मैं MBA एंट्रेंस एग्जाम्स की अगर मैं डिफिकल्टीज लेवल की बात करूं, तो देखो अभी आपको मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूं, तो जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम है वो है ZAT, CAT और IIFT, और इसके प्रिपरेशन के लिए अप्रॉक्स आपका 6-12 मंथ तक का समय चाहिए ही चाहिए। अब अगर मैं मॉडरेट डिफिकल्ट लेवल की बात करूं तो आपको NMAT, SNAP और TISNET देखने को मिलता है, इसके प्रिपरेशन के लिए अप्रॉक्स आपको 4-6 मंथ का टाइम चाहिए होगा। और अगर मैं सबसे इजी एग्जाम की बात करूं तो आपका CMAT, MAT और IPSET है, इसके लिए आपको अप्रॉक्स 2-3 मंथ का प्रिपरेशन के लिए टाइम चाहिए ही चाहिए। तो इन सारे बेसिस पे आप अपने लिए मैक्सिमम 2-3 एंट्रेंस एग्जाम में आप अप्लाई कर सकते हैं, पर ये सबसे पहले आपको अपने लिए टॉप 10 MBA कॉलेज को सिलेक्ट करके रख लेना है। अगर इसके बारे में आपको स्पेसिफिक डिटेल भी चाहिए तो मैंने इसके लिए वीडियोस बना रखा है, आप जाकर मेरे चैनल पे भी चेकआउट कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा आपका कोई भी क्वेरी बसता है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे आपको मेरा व्हाट्सअप लिंक मिल जाएगा, एक नंबर आपको स्क्रीन पे भी शो कर रहा होगा, आप वहाँ मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, तो जितना पॉसिबल हेल्प होगा मैं आपका वहाँ पे कर पाऊंगा। और अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, थैंक्स, लव यू।